तो ये है टाटा सफारी की एग्जेट प्लस डार्क एडिशन। इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिल जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे कनेक्ट करना रहता है। एक्चुअली पहले आप पेयर न्यू डिवाइसेस में जाके अपने फ़ोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो आपको स्क्रीन में ऑप्शन पूछेगा, पोको एक्स थ्री, मेरा फोन पोको एक्स थ्री प्रो है, सपोर्ट्स एंड्रॉइड ऑटो, डू यू वॉन्ट टू इनेबल वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो। ठीक है, तो आप इसको यस कर दीजिएगा। कनेक्टिंग एंड्रॉइड ऑटो। तो जैसे ही हमने कंटिन्यू पे प्रेस किया तो उसके बाद ऑटोमेटिक वीडियो मेरा पॉज हो गया, तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो जैसे ही वो प्रोसेस होगा उसके बाद आपके मोबाइल में वो सेटअप होगा, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पूछेगा एग्जिट सेटअप या कंटिन्यू, तो आपको कंटिन्यू में दबाना है। तो उसके बाद ये ओपन हो जाएगा आपको एंड्रॉइड ऑटो, देख सकते हैं। ये है वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, देख सकते हैं कुछ केबल कनेक्ट नहीं है, जिस फोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी फोन से कनेक्टेड है। ये कार ट्यूब एक्चुअली यूट्यूब है, सो कंफर्म करते हैं, देख सकते हैं यूट्यूब ओपन हो चुका है। महबूबा वीडियो सॉन्ग KGF चैप्टर रो, तो आप देख सकते हैं काफी छोटे स्क्रीन में प्ले हो रहा है एंड्रॉइड ऑटो इसका, बट ठीक है। तो आप इसमें एक्चुअली मैं म्यूट करके रखा हूँ बिकॉज कॉपीराइट का इशू हो जाएगा, तो उसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो आप यूट्यूब भी ऑपरेट कर सकते हैं, यहाँ से जाके आप एंड्रॉइड ऑटो का मेन मेन्यू ओपन कर सकते हैं। एंड ये दबाएंगे तो आपका होम ओपन हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं आपका एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टेड है थ्रू वायरलेस सेटअप, तो म्यूजिक वगैरह आप सब प्ले कर सकते हैं। जिस फोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी से कनेक्टेड है, आपको मैंने प्रोसेस भी बता दिया। ब्लूटूथ कनेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली ये पूछेगा अगर आपका फोन सपोर्ट करता होगा वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, तो मेक श्योर कि आपके मोबाइल में एंड्रॉइड ऑटो होना चाहिए पहले से इंस्टॉल्ड। उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे, एक चीज पूछेगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, उसमें कंटिन्यू करना है आपको, उसके बाद आपका ये ओपन हो जाएगा।